किन्नौर पांडव काल के ऐतिहासिक किला को उसके वास्तविक स्वरूप में लाने के लिए श्यामा प्रसाद रूर्बन मिशन के तहत किया जा रहा है जीर्णोद्धार। जिला किन्नौर में मोरंग तहसील के तहत श्यामा प्रसाद रूर्बन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक। जिला किन्नौर में मोरंग तहसील के तहत श्यामा प्रसाद रूर्बन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करने उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक आज अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान मोरंग पहुंचे। श्यामा प्रसाद रूर्बन मिशन के तहत मोरंग क्लस्टर के 4 पंचायतों में 17 करोड़ के कार्य किए जा रहे हैं। वही उपायुक्त किन्नौर ने मोरंग गांव में ऐतिहासिक किला का भी निरीक्षण किया, जहां मोरंग पंचायत प्रधान अनूप कुमार व ग्रामीणों ने उपायुक्त सहित एडीएम पूह अश्वनी कुमार का स्वागत किया। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने कहा कि रूर्बन मिशन के तहत मोरंग क्लस्टर में 17 करोड़ का कार्य किया जा रहा है तथा पांडव काल के मोरंग ऐतिहासिक किला का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक 35 लाख के करीब कार्य हो चुका है तथा इसके लिए 3 करोड़ के करीब बजट रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस पांडव काल के ऐतिहासिक किले का जीर्णोद्धार व उसके वास्तविक स्वरूप में लाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी तथा मोरंग किला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कारपेंटिंग मेथड से यह किला कितना वर्ष पुराना है जिसका भी सर्वे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक किले के माध्यम से भी मोरंग में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सके। जिसमें कुनू चारंग रिस्पा थांगी और मोरंग में जो है 4 पंचायतों में काम चला हुआ है, जिसमें 17 हमारे प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हमारे 3 प्रोजेक्ट है मोरंग के, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जहाँ पर हम हैं इस वक्त है ये मोरंग का फोर्ट है। इसमें अभी जो है 3 करोड़ का लगभग 2.5 से 3 करोड़ तक का खर्चा होगा। इसमें हम उसको जो इसकी ओरिजिनल स्थिति है जैसे पहले था उसको वैसे लाना चाहते हैं जैसे इसकी है, जैसे वुड वर्क है, जैसे है इसकी छत अभी टूटी हुई है, काफ़ी काम हो चुका है इसमें, लगभग 30-35 लाख का काम हो चुका है लेकिन बाकी काम अभी बहुत बाकी है। इसमें काफ़ी लेजेंड्स है कि पांडवों के ज़माने का है और हमने ये सोचा है कि इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कार्बन डेटिंग की मेथड से ये पूरा पता करें कि ये कितने 100 साल या कितने 1000 साल पुराना ये हमारा किला है। और टूरिज्म की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी जगह आपके पूरे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है जैसा कि ये फोर्ट है। एक तो हिस्टोरिकल इसकी सिग्निफिकेंस तो है ही है, अगर आप देखेंगे इसकी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी सिग्निफिकेंस है। ये इतनी खूबसूरत वैली है, यहाँ से आके अगर टूरिस्ट आता है, सतलुज के पास में एनएच के पास में है, यहाँ से हम ऊपर सड़क भी बजटेड सड़क है जो अगले साल में तैयार हो जाएगी, तो ये सीधा कनेक्ट एनएच के साथ ऊपर हो जाएगा। एनएच से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर ये है और इतनी खूबसूरत जगह है और इसको हम पूरे एक टूरिस्ट सर्किट हम इसको डेवलप ही टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे ताकि टूरिस्ट यहाँ आए। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर लोकल लोगों से बात करके कि वो यहाँ पर होम स्टेज भी खोले ताकि अगर टूरिस्ट यहाँ आए तो वो यहाँ रुके और जो लोकल इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिले। तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आज हमने यहाँ पर इसका जायजा लिया और कुछ दिशा निर्देश दिए और हम ये भी सोच रहे हैं कि इसमें हम किसी एक्सपर्ट आर्कियोलॉजिस्ट जो कि ऐसे कामों में जो प्राचीन ये किले हैं इनके काम किए हुए हैं उसको एंगेज करके उनसे भी हम गाइडेंस लेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। किन्नौर से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।